तो दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव को रोक दिया और पाकिस्तानी राष्ट्र आरिफ अलवी को देश में चुनाव कराने की सलाह दे दी है। वहीं आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की संसद को भंग करके 90 दिनों के भीतर आम चुनाव करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान और राष्ट्रपति की इस चाल से विपक्ष भड़का हुआ है और पाकिस्तान में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान खान का जाना भारत के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, तो वहीं पूर्वोत्तर इलाके में चीन और पूरब की ओर भारत है। साल 2018 में सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने अमेरिकी विरोधी रुख अपना रखा है और चीन और रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। यही नहीं, इमरान खान ने यूक्रेन पर हमले के बीच पुतिन से मुलाकात करके सबको हैरान कर दिया था और तब से अमेरिका पाकिस्तान पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में सेना हर चीज नियंत्रण करती है, इसलिए पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का बहुत सीमित असर होगा। लेकिन इससे भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन पर क्या असर पड़ेगा, जरा आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं पहले भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक आजादी के बाद 3 बार युद्ध हो चुका है। दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर दशकों से विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि भारत के साथ संबंध को लेकर पाकिस्तानी सेना हर चीज तय करती है। पाकिस्तानी सेना के साथ समझौते के बाद साल 2021 से भारतीय सीमा पर तनाव अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसके बाद भी पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रुकी हुई है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही देशों के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है। आपको बता दें कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इमरान खान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहा है। इमरान खान ने लगातार कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर उठाया है। वही मुसलमानों को लेकर बीजेपी की भी तीखी आलोचना करते रहता है। इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि इमरान के जाने से भारत को फायदा हो सकता है। पाकिस्तान के शक्तिशाली सत्ता अब इस्लामाबाद की नई नागरिक सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती है ताकि कश्मीर में सफल सीज फायर को अंजाम दिया जा सके। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अगर भारत सहमत हो तो उनका देश कश्मीर पर आगे बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार से भी भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ अच्छा संबंध है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब दौर में पहुंच चुका है। तालिबान राज में टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना पर बहुत ज्यादा हो रहा है। इनमें पाकिस्तानी सेना अक्सर मारे जा रहे हैं। इसी बीच सीमा विवाद को लेकर भी तालिबान के साथ विवाद चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। उधर अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अब अमेरिका को तालिबान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। कतर निश्चित रूप से यह भूमिका निभा रहा है। हालांकि इमरान खान मानवाधिकारों को लेकर तालिबान की बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करते रहता है, जबकि भारत में मुसलमानों पे क्या हो रहा है उसके बारे में हमेशा अलग अलग मंचों पर जाकर उठाते रहता है। यही है इसका दोगलापन। वहीं इमरान खान लगातार चीन के पाकिस्तान और दुनिया के सकारात्मक भूमिका निभाने पर जोर देता रहा है। चीन सीपीसी के तहत पाकिस्तान में $60 अरब का निवेश कर रहा है। इस परियोजना की शुरुआत तब हुई थी जब विपक्षी पीएमएल और पीपी सत्ता में थी। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ चीन के साथ सीधे डील करते हैं। वह चीन की मदद से कई प्रोजेक्ट पंजाब में सीएम रहते हुए शुरू करवा चुके हैं। वहीं अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट पर शायद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोई रुचि हो। उन्होंने कहा है कि बाइडेन अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वह तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अशांति हो या फिर भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव बढ़े। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि पाकिस्तान सेना पर्दे के पीछे से विदेश और सुरक्षा नीति को चला रही है, इसलिए इमरान खान का राजनीतिक भविष्य बहुत चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का रूस दौरा अमेरिका के साथ रिश्ते के संदर्भ में आपदा की तरह से था। उन्होंने उम्मीद किया कि पाकिस्तान में नई सरकार आने पर रिश्ते सुधर सकते हैं। इमरान ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि रूस के दौरे के कारण अमेरिका ने उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची है। खैर, आपका क्या राय पूरे घटना पर, आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।